सत्ता में बैठा हुआ है उसकी वजह से देश में एक अराजकता का सा माहौल हो गया है। हमारी ताकत थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब लोग मिलके इस देश में रहते थे, लेकिन इन सांप्रदायिक ताकतों ने कोशिश की है कि भाई को भाई से लड़ाने की, हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने के लिए, और उसी के बिहाफ पर वो सत्ता में बैठे हुए हैं। चाहे आज बेरोजगारी को लेकर देख लें, महंगाई को लेकर देख लें, जब गैस सिलेंडर 600 रुपए था उस समय हंगामा किया और आज 1000 से ऊपर गैस सिलेंडर हो गया। सत्तारूढ़ दल ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल हम देंगे, या 7 साल हो गए इनको आए हुए, 2 करोड़ रोजगार दे पाए। राहुल गांधी जी ने जहाँ जहाँ भी गलत हुआ है, चाहे वो संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग करने की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, हर मुद्दे को उन्होंने बड़े ही निडरता से उठाया। पैदल चलने का संकल्प आजाद भारत के अंदर राहुल गांधी जी ने लिया है। हर प्रदेश में डे बाय डे लोग जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याओं का निदान उनमें राहुल गांधी जी की यात्रा से दिख रहा है।